असलकुम क्लास फ़ाइव क्या हाल है आप लोगों के जैसा कि आपको पता है कोरोना की वजह से स्कूल बंद हैं तो हमने आपकी स्टडी को मद्द रखते हुए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर दिया है आज हमारी पहली ऑनलाइन क्लास क्लास फाइव के लिए अमेजिंग साइंस के सब्जेक्ट पर है तो आइए आज हम अपने अमेजिंग साइंस के पहले चैप्टर की तरफ चलते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट यूनिट का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। मतलब है कि इस चैप्टर में हम जानदार चीज़ों की मुख्तलिफ़ ग्रुप में क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे कि किस तरह से लिविंग थिंग को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया तो पेज एंड पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है ऑल लिविंग थिंग्स आर अप ऑफ सेल जितनी भी जानदार चीज़ें होती हैं वो सब सेल से मिलकर बनती हैं आर लिविंग थिंग तमाम जानदार चीज़ें आर मेड अप ऑफ सेल्स सेल से मिलकर बनी हैं आइए अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं नेक्स्ट पेज के टॉप पर लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। ये हेडिंग है मेन हेडिंग लिविंग थिंग्स की जानदार चीज़ों की डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन वी कैन अरेंज एवरी थिंग इन द वर्ल्ड इंटू थ्री ग्रोप्स हम दुनिया के अंदर हर चीज़ को तीन ग्रोप्स में तरतीब दे सकते हैं सम थिंग्स आर लिविंग नाव कुछ चीज़ें जानदार हैं अब अदर वर वंस लिविंग कुछ पहले जानदार थी यानी अब बेजान हो चुकी हैं एंड सम और कुछ जो थीं वो शुरू से ही जानदार नहीं थी डिवाइडिंग

कि कुछ जानदार चीज़ों के डिफरेंट फीचर होते हैं कुछ के डिफरेंट फीचर होते हैं मेन के ख़ुराक का कुछ खुद अपनी फूड प्रिपेयर कर लेते हैं कुछ अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते वो वूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो इस तरह से जो मुख्तलिफ़ लिविंग थिंग्स हैं वो डिफरेंट पैटर्न या डिफरेंट ग्रोप्स में फिट आती हैं तो इसमें साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ जो लिविंग थिंग्स थी उनको लिए उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है तो नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं ने 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 साइंटिस्ट स्टडी लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोलॉजिस्ट वो साइंसदान जो जानदार चीज़ों का मुता करते हैं उन्हें क्या कहते हैं बायोलॉजिस्ट अगर कोई आपसे पूछे हु इज़ बायोलॉजिस्ट तो आप कहेंगे साइंटिस्ट स्टडी लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोलॉजिस्ट साइंसदान जो जानदार चीज़ों का मुताल करते हैं वो बायोलॉजिस्ट कहलाते हैं बायोलॉजिस्ट डिवाइड थिंग इन डिफरेंट ग्रुप्स बायोलॉजिस्ट ने चीज़ों को मुख्तफ़ ग्रोप में डिवाइड कर दिया दिस इज़ कॉल्ड क्लासीफिकेशन अगर कोई आपसे पूछे वॉट इज़ क्लासीफिकेशन या वाट इज़ मैंट बाई क्लासीफिकेशन या डिफ़ाइन क्लासीफिकेशन तो इसका आंसर होगा बायोलोजस्ट डिवाइड थिंगस इंटू डिफरेंट ग्रोप्स दिस इज़ कॉल्ड क्लासीफिकेशन बायोलोजस्ट ने चीज़ों को मुख्तलिफ़ ग्रोप में डिवाइड किया तकसीम किया जिसे क्लासीफिकेशन कहते हैं बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई ऑल लिविंग थिंग्स बाई डिवाइडिंग दम इन टू लार्ज ग्रोप कॉल्ड किंगडम बायोलॉजिस्ट ने जानदार चीज़ों को सबसे पहले बड़े ग्रुप में डिवाइड किया जिसको किंगडम कहते हैं ईच किंगडम इज़ अवज ग्रुप हर किंगडम जो है वो एक बहुत बड़ा ग्रोप है द टू मेन किंगडम आर दोज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स जो दो बड़े मेन किंगडम हैं उन्हें क्या कहते हैं एक का नाम है एनिमल यानी जानवर और दूसरे का नाम है प्लांट्स यानी पौधे सबसे पहले बायोलॉजिस्ट ने तमाम जानदार चीज़ों को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया एक का नाम था उनसे किंगडम का नाम दिया गया उन ग्रुप्स को एक किंगडम प्लांट था यानी प्लांटी था और दूसरी एनिमिलिया था जिसे एनिमल कहते हैं एक के अंदर उन्होंने सब जानवरों को डाल दिया और दूसरे ग्रुप के अंदर सब प्लांट्स को डाल दिया ये सबसे पहली क्लासिफिकेशन थी बायोलॉजिस्ट ऑलरेडी नो अबाउट मोर देन वन मिलियन डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स एंड मोर देन थ्री फिफ्टी थाउजेंड काइंड प्लांट्स वो कहता है बायोलॉजिस्ट इससे पहले ही एक मिलियन से ज़्यादा यानी दस लाख से ज़्यादा किस्म के जानवरों को और तीन लाख पचास हजार किस्म के पौधों को जानते थे साइंटिस्ट डिवाइड ईच किंगडम इंटू समॉलर ग्रुप्स ऑफ लिविंग थिंग्स विच है पार्टिकुलर फीचर इन कामन साइंसदानों ने हर किंगडम को मज़ीद छोटे ग्रोप्स में डिवाइड किया जिसके अंदर उन्होंने जो मुख्तलिफ लिविंग थिंग्स को मुख्तलिफ छोटे ग्रोप्स में रखा उन सब के फीचर जो थे वो कामन थे सो दे कैन ईज़ली सो दे कैन स्टडी देम मोर इज़ली ताकि वो इनकी आसानी से मुता कर सकें तो सबसे पहले जो उन्होंने ग्रोप बनाया उसका नाम है वायरसेल तो वायरसेज पढ़ते हैं वायरसेज आर द स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट लिविंग थिंग वायरस जो होता है वो सबसे छोटा और सबसे सादा लिविंग थिंग यानी जानदार चीज़ है दे कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसको सिर्फ़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है यानी आम नज़र से आम आँख से इसे नहीं हम देख सकते सिर्फ इसे किसकी मदद से देखा जाएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से वायरसेज आर मेड अप ऑफ केमिकल विच आर जस्ट लाइक दोज फाउंड इन योर बाडी वायरस जो होते हैं वो एक केमिकल से मिलकर बनते हैं वो केमिकल बिल्कुल इस तरह का होता है जिस तरह हमारी बाडी में होता है सम सा से डैट वायरसेज आर नॉट रियली अलाइव कुछ साइंसदानों का कहना है कि वायरसेस जो हैं वायरस जो है वो जिंदा हैं ही नहीं दे कैन ऑनली सर्वाइव बाई एंटरिंग द सेल ऑफ़ एनिमल वो तब ही जिंदा रह सकते हैं जब किसी जानवर के सेल में दाखिलूँ प्लान्टर बैक्टीरिया वो सिर्फ़ तब भी ज़िंदा रह सकते हैं जब किसी जानवर पौधे या बैक्टीरिया के सेल में दाखिल होते हैं वंस इनसाइड अ सेल जैसे ही वो एक सेल के अंदर जाते हैं द वायरस यूज़ द सेल मटीरियल टू लिव एंड रिप्रोड्यूस तो वह उस सेल के मटीरियल को जिंदा रहने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं द वायरस कैन मेक हंड्रेड ऑफ कॉपीज़ ऑफ़ इट सेल वायरस अपनी सैकड़ों कॉपियां बना लेता है जब एक सेल के अंदर दाखिल होता है मतलब है विद इन अ सेकेंड वायरस जो है वो रेप्लिकेट करके ख़ुद ब खुद अपनी अपने जैसे नजीद वायरस बना लेता है द हेल्दी सेल इज़ टेकन ओवर एंड डिस्ट्रॉयड जिस सेल के अंदर वो दाखिल होते हैं जो पहले सेहतमंद था उस पूरे पेन का कब्जा जम जाता है और वही उसे तबाह कर देते हैं विच कैन मेक द एनिमल और प्लांट वेरियल जिससे उस जानवर या पौधे के से, जिसके सेल के अंदर ये दाखिल होते हैं उसको ये बीमार कर देते हैं वायरसेज कैन काज डिजीज़ेज सच एज कामन कोल्ड इन्फ्लुजा एंड कैंसर इन ह्यूमन बींग वायरस जो है वो मुख्तलिफ तरह की बीमारियाँ इंसानों के अंदर फैलाते हैं उनमें से पहली है कामन कोल्ड सर्दी ये जो ठंड होती है इनफ्लुनज़ा ये वबाई किस्म का ज़ुकाम होता है फ्लू होता है और कैंसर ये मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं जो वायरस इंसानों के अंदर फैलाते हैं तो आज की हमारी रीडिंग यहाँ तक थी अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ तक की रीडिंग से अगर कोई क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर तो उनको हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज के अंदर अगर देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन है वाई इज़ द क्लासीफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स नेसेसरी जानदार चीज़ों की क्लासीफिकेशन क्यों अहम थी तो इसका आंसर हम पढ़ चुके हैं मैं आपको आंसर दिखाता हूँ आइए आंसर की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आपने ये जो सेकंड पेज है इसके ऊपर हमने पढ़ा है डिवाइडिंग थिंग इन टू ग्रैप ग्रोप्स हेल्पस टू अंडरस्टैंड हाउ ऑल द डिफरेंट थिंग्स इन वर्ल्ड फ़िट इन टू अ पैटर्न कि ये जो जानदार चीज़ें हैं इनको मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में डिवाइड करना तकसीम करना मदद करता है ये समझने में कि किस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं इस दुनिया के अंदर एक ख़ास पैटर्न में फिट आती हैं जो हम इस तरह भी कह सकते हैं डिवाइडिंग थिंग इन टू ग्रोप्स हेल्पअ टू स्टडी द डिफरेंट फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म तो मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज़म के मुख्तलिफ फ़ीचर को मुताल करने के लिए ये जो क्लासिफिकेशन है हमें मदद करती है तो पहले सवाल का ये जवाब है मैंने निशान लगवा दिया है अब दूसरा सवाल क्वेश्चन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है हाउ मनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल हैव बायोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड सो फार आज तक कितने मुख्तलिफ किस्म के जानवर और पौधे बायोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किए हैं तो इसका आंसर भी हम पढ़ चुके हैं हमने पढ़ा था ये देखें बायोलॉजिस्ट आर रेडी नो अबाउट मोर दैन वन मिलियन डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स एंड मोर दैन थ्री फिफ्टी थाउजेंड काइंड ऑफ प्लांट तो ये मैंने निशान लगा दिया है कि बायलॉजिस्ट ने एक मिलियन यानी दस लाख एक मिलियन यानी दस लाख डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल और थ्री फिफ्टी थाउजेंड काइंड ऑफ प्लांट जो है उसको वो जान चुके थे तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू वायरसेज रिप्रोड्यूस तो इसका आंसर भी हम देख लेते हैं वायरसेज के अंदर लिख हुआ था क्लियर वे में वंस इनसाइड अ सेल द वायरस यूज द सेल मटेरियल टू लिव एंड रिप्रोड्यूस। जैसे ही एक सेल के अंदर वायरस दाखिल होता है तो उस सेल के मटेरियल को इस्तेमाल करके वो जिंदा भी रहता है और रिप्रोड्यूस भी करता है तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है हमने वायरसेस तक स्टडी की है फर्स्ट थ्री थ्री पेजेस की तकरीबन रीडिंग की है और इन पेजेस में से जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको लगवा दिए हैं ये बुक्स के अंदर आपके निशान लगवा दिए गए हैं अब आपका काम है कि इन पेजेस की रीडिंग करना और ये जो तीन क्वेश्चंस हैं इनको अपनी नोटबुक पर लिख कर और इनके आंसर लिखना और फिर उनको याद करना नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़ इन नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं अपना काम ध्यान से कीजिएगा और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़